हेलो गाइस, कैसे हो सभी। सो गाइस, अभी हमारा पॉलीक्लिनिक थेरेपी का एग्जाम होने वाला है जो 9 तारीख को होगा, ठीक है। तो उसमें दो क्वेश्चन आएंगे लिखने के लिए और एक आएगा ड्रग्स के बारे में, ओके। उसका प्रिस्क्रिप्शन, वो सब के बारे में लिखने के लिए आएगा, ओके। तो जो आप सबको क्वेश्चन की लिस्ट मिल गई होगी, ओके, तो उस क्वेश्चन में आप सभी क्वेश्चन कर लोगे मुझे जहाँ तक लगता है। बट उसमें से अगर आप क्वेश्चन नंबर 37 से 46 देखे ना, तो वो क्वेश्चन रिलेटेड है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन के लिए। प्रोसीजर क्या है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को देने के लिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर ये सब क्या है उसके बारे में है, ओके। और वो थोड़ा सा है ना, पढ़ने का भी थोड़ा एग्जैक्ट मतलब क्लियर नहीं होता, ओके। तो मैं थोड़ा उसके बारे में क्लैरिटी रखूंगा, ओके, और मैं उसके बारे में थोड़ा अच्छे से बताऊंगा, और मैं थोड़ा रैंडम भी जाऊंगा, ओके, और थोड़ा स्पीडली जाऊंगा, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, आपको याद करना है ना बहुत सारे क्वेश्चन, तो इसलिए मैं उस क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट में बताऊंगा हर क्वेश्चन को, और आप क्वेश्चन नंबर ध्यान रखिएगा, ओके। मैं कौन कौन से क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ उसको आप नोट कर दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आपको दो क्वेश्चन में से उसमें से एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ गया और आप अटक गए, तो आपका 10 नंबर मतलब खराब हो सकता है, ओके। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो 37 क्वेश्चन नंबर और जो क्वेश्चन नंबर 46 है ना, ये दोनों सेम है। ये है रूल्स ऑफ इशूइंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, मतलब कि क्या रूल्स होते हैं कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को देने के लिए। तो मैं वो शॉर्टली बताऊंगा। देखो, सबसे पहले होता है कि जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होते हैं वो किस किस को दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला होता है कि जो रशियन सिटीजन है उनको दे सकते हैं, दूसरा होता है जो फॉरेन सिटीजन है उनको भी मिल सकता है, और तीसरा होता है जो नॉन स्टेट्स में रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कबार्डिनो बल्गारियन एक स्टेट है और बाहर की पब्लिक यहाँ रहने आई है, ओके, जो नॉन कबार्डिनो बल्गारियन पब्लिक है, ओके, तो यहाँ रहने आई है उनको भी मिलता है, ओके। तो 3 टाइप में हम बोल सकते हैं, रशियन सिटीजन को भी मिल सकता है, ये वैलिड है, फॉरेन को भी मिलता है, और जो नॉन स्टेट वाले पीपल हैं, ओके, स्टेटलेस पर्सन होते हैं ना, उनको भी मिल सकता है ये सर्टिफिकेट। अब इसमें सर्टिफिकेशन दो तरीके से होता है, एक होता है परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है, एक होता है टेम्प्रेरी, ओके। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि किस किस को देते हैं। सबसे पहले होता है कि जो जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है उनको मिलता है, पहला पॉइंट है। दूसरा होता है जो सिविल सर्वेंट है, जो स्टेट के सिविल सर्वेंट है उनको मिलता है। तीसरा होता है किस किस को मिलता है, वो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पब्लिक हैं, ओके, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई एक तरीके से उनको मिल सकता है, ओके, और जो कॉर्पोरेट काम कर सकते हैं, काम करते हैं, लेबर एक्टिविटी करते हैं, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनको मिलता है। और पांचवा है वो क्लर्की, क्लर्की का मतलब क्या होता है, जैसे प्रिस्ट हो गए, ओके, चर्च के, उनको भी मिलता है, ये सब है ना, इनको इशू होता है, ओके, ये सब रूल्स हैं। और जैसे अभी बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर हो गए, लॉयर्स हो गए हैं, ओके, फार्मर्स हो गए, इन सबको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड होती है किसी न किसी कारण की वजह से। अब इम्पॉर्टेंट ये है, अभी इनको तो दे दिया, ठीक है, तो अभी क्या किस वजह से देते हैं। सबसे पहले होता है कि कोई भी एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, ओके, जैसे को क्या होता है कि लेबर जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनका कोई इंजरी हो गई उनको, तो वो कवर अप होते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए, ओके। और जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं, जैसे इनका कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल का और उससे पहले ही अगर उनका कोई डिसेबिलिटी हो गया तो उनको भी मिलता है, ओके। और कोई भी तरीके का डिजीज हो गया, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन रहती है, ओके। और कभी कभी क्या होता है कि मैटरनिटी कंडीशन में भी, जैसे मैटरनिटी प्रेगनेंसी कंडीशन में भी उनको इस सर्टिफिकेट को भी अलाउ करते हैं, ठीक है। तो ये है रूल्स फॉर इशूइंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ओके। अब आते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि कैसे हम इसको प्रोवाइड करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 38, याद रखिएगा, जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया था वो क्वेश्चन नंबर 37 एंड 46 सेम क्वेश्चन था, ओके। अब है क्वेश्चन नंबर 38, इसमें बताया गया कि प्रोसीजर क्या है, हम कैसे सर्टिफिकेट को इशू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी तरीके का इंजरी हो या कोई भी तरीके का डिजीज हो, उस कंडीशन में हम प्रोवाइड करते हैं सर्टिफिकेट, ओके, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का। इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोवाइड कौन करता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि जो कोई भी जो रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर होते हैं ना, जैसे MBBS वाले, ओके, तो उनको प्रोवाइड होता है। जैसे जो पैरामेडिक होते हैं, जैसे BAMS होते हैं ना, यहाँ भी ऐसे पैरामेडिक होते हैं, तो उनको वो भी दे सकते हैं, और अलॉन्ग विद जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं ना, उनको वो भी इसको दे सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि कितने दिन के लिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो पैरामेडिक्स होते हैं ना, वो 3 से 5 दिन का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि आप 3 से 5 दिन आप लीव ले सकते हैं ऑफिस से, या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो सर्टिफिकेट इशू कर देंगे 3 से 5 दिन आपको ये डिसीज कुछ इशू था, ओके। मैक्स टू मैक्स ये जो पैरामेडिक होते हैं ये 10 दिन तक भी बढ़ा सकते हैं, और वहीं जो MBBS वाले होते हैं वो 15 दिन तक बढ़ा सकते हैं ये लीव, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का जो लीव होता है वो 15 दिन तक बढ़ा सकते हैं। बट अगर उससे ज़्यादा बढ़ाना हो किसी भी कंडीशन में, जैसे कोई क्रॉनिक डिजीज हो गया, या कोई टीबी ट्यूबरक्लोसिस हो गया जिसमें करीब 12 महीने तक का ट्रीटमेंट चलता रहता है, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, उसके लिए आपको वाइस चांसलर का, आपको जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं ना, उनका आपको परमिशन लेना पड़ता है, तब जाके आपका एक्सटेंड होता है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, जैसे मैंने बताया था कि ये स्टूडेंट्स के लिए भी रहता है, जैसे कोई भी तरीके का स्टूडेंट्स किसी भी तरीके का इंजरी हो गया हो के उनमें मिलता है, एंड जैसे पढ़ाई कर रहे हैं समथिंग, ओके, और कोई भी तरीके का इनवेजिव डायग्नोसिस करना है, जैसे कि किसी को बायोप्सी करवाना है या किसी का एंडोस्कोपी डायग्नोसिस करना है, ओके, तो उनमें भी ये सर्टिफिकेट इशू होता है। ये सब टेम्प्रेरी है, परमानेंट के लिए क्या होता है कि किसी का जैसे पैर वैर कट गया, समथिंग इंजरी हो गई, समथिंग होता है ना, कोई ना कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिससे वो अपना फंक्शनल जो वर्क होता है वो नहीं कर पाता, तो उसमें परमानेंट डिसेबिलिटी देते हैं, ठीक है। और मतलब और भी लोग दे सकते हैं जो अप्लाई करते हैं ना, कि हाँ मुझे टेम्परेरी डिसेबिलिटी है, कि मेरा वर्क होने के बाद कोई मुझे आके चेकअप कर दे डॉक्टर, तो उसके लिए भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वो टेम्परेरी बेसिस पर होता है। क्वेश्चन नंबर 45 होता है, वो आप देखो कि ना वो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी प्रिवेंशन पर होता है।
देखिए जो प्रिवेंशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत इजी होते हैं। आप कैसे सॉल्व करिए पता है? आप एक पिरामिड बना लीजिए, जैसे हम लोग ना पढ़ते हैं ना उसमें पीएसएम में, कि एक पिरामिड होता है जिसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर होता है, टर्शियरी हेल्थ सेंटर होता है। ओके, तो पिरामिड में आप नीचे से पहले प्राइमरी में डालिए। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि आपको रिस्क फैक्टर जो होते हैं ना उसको प्रिवेंट करना है। ओके, सेकेंडरी में क्या आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको डिजीज को ट्रीट करना है, ट्रीटमेंट। और टर्शियरी में क्या आता है, टर्शियरी में आपको जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं ना उसको ट्रीट करने का होता है। तो ये इस तरीके से आप पिरामिड बना लीजिए, जिसमें नीचे से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करना है, टर्शियरी में डिजीज को ट्रीट करना है, और सेकेंडरी में डिजीज को ट्रीट करना है, और टर्शियरी में आपको कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करना है। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है, टाइप्स ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसमें पांच तरीके के होते हैं जो समझना बहुत मुश्किल होता है कभी कभी। इसमें पहला आता है प्रिवेंटिव मेडिकल एग्जामिनेशन। इसका मतलब क्या होता है कि हम डिजीज के मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं सिंपल शब्दों में। दूसरा होता है प्रिलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है प्रिलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन में, इसमें क्या होता है प्रिलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन में, कि हम किसी भी एक पर्सन को हमने काम दिया पर्टिकुलर टाइम में, हम जानना चाहते हैं उसकी एफिशिएंसी क्या है उस काम को लेके, वो कर पा रहा है समय पर जो नॉर्मल पीपल कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, तो उससे हम प्रिलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन से पता करते हैं। तीसरा होता है पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब कि हमने किसी व्यक्ति को काम दिया और हम हर आधे या 10 मिनट में या 20 मिनट में, हम हर टाइम में 10-10 मिनट में उसका एफिशिएंसी, उसकी हेल्थ चेकअप कर रहे हैं कि कोई डिजीज तो नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, इसलिए उसको पीरियोडिक नाम दिया गया। चौथा होता है प्री शिफ्ट। प्री शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि काम देने से पहले हम उसका मेडिकल चेकअप करेंगे। ओके, और पोस्ट शिफ्ट होता है जो पांचवा टाइप है, वो है काम देने के बाद का, हम जब काम कर लेगा वो, तो क्या हेल्थ में चेंजेस आए हैं वो हम चेकअप करेंगे। तो ये टोटल तरीके का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जो पांच टाइप के होते हैं। ओके, पहले फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, या प्रिवेंटिव होते हैं, फिर उसके बाद प्रिलिमिनरी होता है, पीरियडिक होता है, प्री शिफ्ट और पोस्ट शिफ्ट। ओके, तो ये होते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43, क्राइटेरिया ऑफ डिसेबिलिटी ग्रुप। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे डिसेबिलिटी ग्रुप, मतलब जो डिसेबिलिटी वाले पीपल होते हैं उनको किस ग्रुप में कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बारे में दिया है। देखिए गाइस, जो नोट्स में इन्फॉर्मेशन दी है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स दी है, तो मैं आपको नोट्स के अकॉर्डिंग पहले बता देता हूँ। इसमें 3 डिग्री के ग्रुप्स बताए हैं डिसेबिलिटी के, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। और तीनों ही ये ना डिपेंड होता है कि ये जो डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी होती है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये डिपेंड होता है कि पर्सन का हेल्थ कैसा है, उसका फंक्शनल एबिलिटी कैसी है, वो फंक्शनल एबिलिटी और वो हेल्थ डिपेंड होता है उसको क्या डिजीज हुआ है। ओके, वो डिजीज और या कोई इंजरी हुआ है उसके बेसिस पर डिसाइड होता है, और उस व्यक्ति को स्पेशल प्रोटेक्शन हमेशा चाहिए रहता है। ओके, और इसको मैं और सिंपल शब्दों में कहूँ तो जैसे पांच टाइप के डिसेबिलिटी काइंड ऑफ ग्रुप होते हैं। पहला होता है कि उसको कोई प्रॉपर डिसेबिलिटी नहीं है, वो नॉर्मल है, सब कुछ अपना खुद से काम कर पा रहा है। सेकंड वाले केस में क्या होता है, उसको डिसेबिलिटी है। ओके, बट उसको कोई मतलब वो डिपेंड नहीं है किसी पर कि मेरे को कोई काम करके दे। ओके, उसको डिसेबिलिटी है बट वो इंटरडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं है। ओके, नॉन डिपेंडेंट है। तीसरा होता है माइल्ड फॉर्म में, चौथा होता है मॉडरेट, और पांचवा होता है सीवियर। इसमें क्या होता है आपको कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए रहता है आपको, आप डिपेंड रहते हो किसी ना किसी वजह से। ओके, ये डिसेबिलिटी कैटेगरी है। ओके, और जो मैंने बताया था ना कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी काइंड ऑफ जो डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी है, ये तीनों एक दूसरे पर ही डिपेंड होते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 42, क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटल एक्टिविटी एंड लिमिटेशन ऑफ वाइटल एक्टिविटी। देखिए वाइटल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि इसमें सिंपल सा मतलब ये बताया है कि जो पर्सन है उसकी एक्टिविटी कैसी है, मतलब कि सिंपल शब्द में बता दूँ कि वो मतलब एबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम खुद पर खुद का ध्यान रख सकते हैं, सेल्फ केयर होता है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है, हम एबिलिटी है हमारे में, लर्निंग एबिलिटी है, लर्निंग कैपेसिटी है काम करने की। ओके, तो ये सब कैपेसिटी बताई है मतलब ह्यूमन की एक्टिविटी के बारे में कि वो अपने खुद से कर सकता है ये सब काम। ओके, अब इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन भी डिपेंड होती है 3 कैटेगरी में। पहला होता है कि आप वो सेल्फ केयर कर सकता है, उसके पास एबिलिटी है, पहला पॉइंट है सेल्फ केयर की एबिलिटी है। ओके, बट ये है कि कभी कभी अगर उसको चाहिए होगा टेक्निकल सपोर्ट तो वो ले सकता है। सेकंड में क्या है, उसको एबिलिटी है सेल्फ केयर की बट उसको पार्शियली सपोर्ट चाहिए फ्रॉम आउटसाइड, वो मैंडेटरी है, उसको चाहिए चाहिए। और थर्ड केस में है कि वो खुद से काम नहीं कर पाता। ओके, उसको सपोर्ट, वो टोटली डिपेंडेंट है एक तरीके से दूसरे के ऊपर। तो वो है 42 क्वेश्चन नंबर, मतलब कि लिमिटेशन है वाइटल कैपेसिटी का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41। ओके, इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन का जो बेसिक फंक्शन है वो वायलेट हो गया। बेसिक फंक्शन का मतलब इंसान का बेसिक फंक्शन क्या होता है, सबसे होता है मेंटल फंक्शन, मतलब कि कॉन्शियस अनकॉन्शियसनेस वो बताता है। दूसरा होता है लैंग्वेज एंड स्पीच फंक्शन, लैंग्वेज एंड स्पीच फंक्शन मतलब कि वो कैसे बोल पा रहा है, कैसे लिख पा रहा है। ओके, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो एफिजिया, एपेक्सिया, ओके, तो ये सब चीज़ें आती है। तीसरा होता है सेंसरी फंक्शन, फंक्शन मतलब कि वो देख पा रहा है कि नहीं, सुन पा रहा है कि नहीं, वो सब फंक्शन है। चौथा होता है न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, मतलब कि कोई मसल प्रॉब्लम है, मतलब मस्कुलोस्केलेटल इशू है कोई, वो है। पांचवा है पूरा जीआईटी सिस्टम, जैसे कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी, जीआईटी, यूरिनरी सिस्टम, वो सब इन्वॉल्व, वो सब फंक्शंस बताते हैं। और बाकी जो जो एक्सटर्नल डिफॉर्मिटीज, जो नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल डिफॉर्मिटीज का मतलब क्या होता है, जैसे कोई इंजरी हो गई, फेस से इंजरी हो गई, हेड इंजरी हो गई, नेक इंजरी हो गई, तो उसके बारे में। ओके, तो ये है इंपॉर्टेंट जो ह्यूमन के फंक्शन है। ओके, अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसका वॉल्यूशन कैसे होगा, मतलब कि किस कैटेगरी में इसको, किस ग्रुप में ये फंक्शन हैम्पर होंगे। तो इसके टोटल 4 ग्रुप हैं। अगर पहले ग्रुप में पेशेंट है उसका फंक्शन कोई वॉयलेट हो गया, तो कितना डिग्री वॉयलेट होगा, कितना परसेंट वॉयलेट होगा, मतलब कि 10 से 100% के बीच में हम उसको कैटेगराइज करेंगे। ग्रुप 1 में होगा 10 से 30% उसका फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ग्रुप 2 में 40 to 60%, और ग्रुप 3 में 70 to 80%, एंड ग्रुप 4 में 90 to 100%। ये होता है मतलब फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। अब रहा क्वेश्चन नंबर 40। ओके, इसमें क्या होता है कि टास्क, अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो रूरल आउट पेशेंट क्लिनिक होता है ना, उसको जो टास्क, उसका क्या टास्क होता है। देखिए
हम जब ESM में पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ही ये चीज़ें आती है, रूरल आउट पेशेंट क्लिनिक। उसके अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आते हैं और जो रूरल जो क्लिनिक होती है वो आती है आउट पेशेंट पे। तो इसका क्या टास्क होता है? तो देखिए, जो रूरल गाँव विलेजेस में जो क्लिनिक्स होते हैं ना, उसके बहुत बेसिक फंक्शन होते हैं। पहला होता है जो फर्स्ट एड्स होते हैं ना, वो प्रोवाइड करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑन ऑल, प्रिवेंशन और प्रिवेंटिव मेजर्स, ये सब मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं, और कोई ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर जो उन्होंने बनाया होगा कि जैसे एंटी एपिडेमिक, जैसे उस जगह पर कोई ना कोई पोलियो का इशू है या कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए वैक्सीनेशन का प्रोसेस कैसे करना है, तो वो सब चीज़ें इस जो गाँव साइड में जो पेशेंट आउट पेशेंट क्लिनिक होता है, ओके, और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, वो सब इन्वॉल्व होता है। और ये सब क्लिनिक प्रोवाइड करती हैं प्राइमरी प्रिवेंटिव मेजर्स करते प्रोवाइड करते हैं, डायग्नोसिस के लिए होते हैं, सोशल कैंप लगाते हैं, अवेयरनेस है सोशल प्रोवाइड करते हैं। ये सब आप लिख सकते हो क्वेश्चन में, आप अपने हिसाब से इसको एक्सटेंड कर सकते हो कि आउट पेशेंट क्लिनिक, इसको आप ऐसे समझिए जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ओके ओके अब जो क्वेश्चन नंबर 39 है, इसमें ये प्रोवाइड किया गया है, बताया गया है कि ये जो फीचर्स ऑफ प्रोवाइडिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर टू रूरल पॉपुलेशन, उनका ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म और उनके काम क्या होते हैं। तो देखिए, इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आउट पेशेंट प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक एंड ऑल, तो आपके लिए सिंपल बताओ क्या करिए, आप पहले एक ना वो बना लीजिए पिरामिड। ओके, पिरामिड में क्या करिए, जैसे मैंने बताया था ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर, टर्शरी हेल्थ सेंटर, इसमें भी सेम प्रोसीजर होता है, यहाँ भी वही होता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आते हैं जो हमारे रूरल आउट पेशेंट क्लिनिक हो गए, ओके, अलॉन्ग विद जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गए, वो आ गए। सेकेंडरी हेल्थ सेंटर सेंटर का मतलब होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इसका मतलब ये होता है जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, वो सब इन्वॉल्व होते हैं। और ऊपर होता है रिपब्लिक हॉस्पिटल, मतलब कि उसमें बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस भी इंक्लूड होते हैं। ओके, तो ये सब तीनों चीज़ आती हैं। बट जो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जिसको हम बोलते हैं रूरल आउट पेशेंट क्लिनिक, ओके, इसमें क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इसमें देखिए, इसमें हर बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड होती ही है, जैसे कि आउट पेशेंट क्लिनिक होता है, ओके, एक हॉस्पिटल होता है, उसमें गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, ओके, उसमें जो बेसिक फार्मेसी होती है वो प्रोवाइड की जाती है। जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ना, उसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड किए जाते हैं, जैसे कि एमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है, उसके बाद बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्नोस्टिक वार्ड्स क्रिएट किए जाते हैं, ओके, और अलॉन्ग विद कुछ और स्पेशलाइज्ड फीचर्स ऐड किए जाते हैं, जैसे कि डायग्नोसिस मेथड जैसे मैंने बताया था, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। और जो रिपब्लिक हॉस्पिटल होता है, उसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी ऐड की जाती है, जैसे कि एक्सरे, सीटी, एमआरआई, ये सब इंक्लूड होते हैं जो हायर सेंटर में इन्वॉल्व होते हैं, और अलॉन्ग विद सब बोल सकते हो आप। अब इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हेल्थ स्टेटस होता है रूरल पॉपुलेशन का, वो कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। ओके, देखिए, उसके लिए कुछ फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डेमोग्राफिक, पहला पॉइंट है डेमोग्राफिक, मतलब जियोग्राफिकली कैसा वहाँ क्या डिजीज़ इंपॉर्टेंट फैल रही है, तो उससे क्या बीमारियाँ हो सकती हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में बारिश के टाइम डेंगू थोड़ा बढ़ जाता है ना, तो उस टाइम वो डेमोग्राफिकली वहाँ के लोगों का हेल्थ खराब होता है। दूसरा होता है सोशल एंड लिविंग कंडीशन, की लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं, ओके, तो वो सब चीज़ें। तीसरा होता है वर्किंग कंडीशन, की जो वहाँ की पब्लिक रहती है उनकी वर्किंग कंडीशन कैसी है, बहुत हैक्टिक वर्क है या कोई ऐसी कंडीशन में काम कर रहे हैं जिससे उनकी हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ रहा है। चौथा होता है रीजनल, मतलब कि आसपास कोई ऐसा गोइटर कंडीशन तो नहीं है, मतलब कि जैसे एंडेमिक गोइटर हो गया या थायरोटॉक्सिकोसिस हो गया, ये सब एंडेमिक रीजन में, ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो रूरल जैसे मैंने बताया था प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसको बोलते हैं हम रूरल आउट पेशेंट क्लिनिक, इसमें क्या होता है, यहाँ जैसे मैंने बताया फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जाता है, और ये बहुत बेसिक फंक्शन होता है रूरल हेल्थ केयर का। ओके, और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे मैं मुझे बताना था, इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 44 को डिस्कस ही किया है। ओके, उसको मैं आगे करूँगा, मैंने इतना बनाया था, मेरे ध्यान से निकल गया 44 क्वेश्चन। तो आई होप सो आपको हेल्प मिली होगी, अगर आपको उस पर डाउट आए होगा ना, तो मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।